जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दर्शकों, कान्हा जी की छठी नजदीक है और फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है और फोटो को देख के अंदाजा तो आपने लगा ही लिया होगा कि आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। ओह कान्हा जी, कहाँ छुपे बैठे हैं? ओह ये हमारे प्यारे से कान्हा जी आम के पत्तों के बीच। जी हाँ, इन्हीं आम के पत्तों का यूज करके आज हम कान्हा जी की पोशाक तैयार करेंगे। यहाँ मैंने दो प्रकार के पत्ते लिए, आम के पत्ते और एक कलरफुल लीफ। कैंची ली है एक मैंने, स्टेपल, फैब्रिक कलर और ब्रश का यूज करेंगे हम। पानी लिया है ब्रश को डुबोने के लिए और एक धागा चाहिए रहेगा। देखिए, आम के पत्ते को लेना है आपको और डंठल वाले सिरे को आगे की ओर लाना है। इस प्रकार एक फोल्ड हो गया। फिर से देखिए, जिससे पीछे एक होल बन जाएगा जिसमें हम धागा आसानी से पिरो पाएंगे। इस प्रकार आपको सभी पत्तों में करना है। आपकी श्रद्धा अनुसार आप पत्ते कितने भी ले सकते हैं। अब हम फोल्ड किए हुए प्रत्येक पत्ते में पीछे जो गैप नजर आ रहा है उसमें धागा पिरोएंगे। इस प्रकार सभी पत्तों में हम धागा पिरोएंगे और कान्हा जी का एक राउंड शेप पत्तों का घाघरा तैयार करेंगे। दर्शकों, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, और पीछे हम एक गठान लगा देंगे। अब हम एक पत्ता लेंगे प्लेन और उसको फोल्ड करेंगे और उसके सेंटर में कट लगाएंगे जिससे कान्हा जी की ऊपर की पोशाक बनेगी। ये बन गई कान्हा जी के ऊपर की पोशाक। अब एक कलरफुल पत्ता जो हमने लिया था उसको इस प्रकार फोल्ड करें और जो अनइवन सिरा है, बाहर निकला हुआ सिरा है, उसको कैंची से कट कर देंगे और सेंटर में स्टेपल कर देंगे। ये कान्हा जी की पगड़ी तैयार हो गई। वाओ, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। अब हम एक्रिलिक कलर और ब्रश का यूज करते हुए प्रत्येक पत्ते पे राधे राधे लिखेंगे। आप चाहे तो हल्दी का इस्तेमाल या फिर कुमकुम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, पत्तों ने सजावट को और ज्यादा इनहेंस कर दिया। अब देखिए, पहचानिए तो जरा ये किसके पत्ते हैं। चलिए मैं ही बता देती हूँ, ये हल्दी के पत्ते हैं। इसमें हमें डंठल में गठान नहीं लगानी क्योंकि इसका डंठल नाजुक होता है। इसमें हम प्रत्येक पत्ते में फोल्ड करके स्टेपल करेंगे। इसमें पीछे गैप ज्यादा नहीं है इसलिए हम सुई धागे का इस्तेमाल करते हुए पत्ते में पिरोएंगे और एक राउंड शेप घाघरा तैयार करेंगे कान्हा जी का और पीछे एक गठान लगा देंगे। और एक जो अलग से पत्ता रखा हुआ है उसका डंटल कट करके उसके सेंटर में फोल्ड करते हुए उसके सेंटर में कट लगाना है। ये कान्हा जी के ऊपर की पोशाक तैयार हो गई और इसे हम कान्हा जी को पहना देंगे। अब कान्हा जी का मुकुट तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक अशोक का पत्ता लिया है, उसको इस प्रकार फोल्ड करेंगे। कट कहीं भी नहीं लगाना है इसमें हमें, सेंटर में स्टेपल करना है सिर्फ। ये कान्हा जी का मुकुट बनके तैयार हो गया। अब ये कान्हा जी को पगड़ी पहना देंगे। वाओ, कितने सुंदर लग रहे हैं ना कान्हा जी। कितनी अलग सी डेकोरेशन है ये। आप भी इस प्रकार की डेकोरेशन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अब हम एक्रिलिक कलर का यूज करते हुए प्रत्येक पत्ते पे राधे राधे लिखेंगे। इसके बिना तो डेकोरेशन अधूरी ही है। इस प्रकार प्रत्येक पत्ते में राधे राधे लिखेंगे और कान्हा जी को भी थोड़ा सा हम सजा देंगे और जहां हमने स्टेपल लगाए थे उस पे भी हम कलर कर देंगे। कितना सुंदर नजारा है ये, वाह वाह वाह। और देखिए, उन्हीं पत्तों से मैंने राधे राधे लिखते हुए तोरण तैयार किया है अपने मंदिर का।
ये आम का तोरण है और इसी प्रकार से मैंने हल्दी का तोरण भी तैयार किया है। हल्दी का बोले तो हल्दी के पत्तों का तोरण। देखिए, जहाँ मैंने दिया लगाया है उसके नीचे मैंने हल्दी के पत्तों के तोरण का यूज किया है, जिससे मंदिर की शोभा और बढ़ गई है, मंदिर की ब्यूटी इनहेंस हो गई है। देखिए कितना अद्भुत नजारा है, सुंदर लग रहा है ना। अलग सी डेकोरेशन, यूनिक सी डेकोरेशन आप भी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिए। मेरे हिसाब से ये 2 या 5 मिनट की डेकोरेशन है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी इससे ज्यादा का समय नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की डेकोरेशन आपको पसंद आई होगी और आप इसको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।